नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम लोग अध्याय एक के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने पहले भाग से शुरुआत की थी इंडियन पॉलिटी की, और यह जो पूरा वीडियो सीरीज होगी यह एम लक्ष्मीकांत सर के द्वारा लिखी गई जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसी पर आधारित होगी। तो पहले भाग में हम लोगों ने कंपनी के शासन के बारे में जान लिया था, जो कि 1773 से 1758 तक चला था, और उसके बाद में हम लोगों ने 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम के बारे में बात करेंगे, और सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझते हुए हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ताज का शासन जो था वह 1858 से 1947 तक चला था, और इस क्रम में हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जान लिया था। उसके बाद में 1861 में आता है भारत शासन अधिनियम, और इस शासन अधिनियम के माध्यम से अब शासन में भारतीयों के प्रवेश को भी आवश्यक कर दिया गया, यानी कि अब भारतीयों के प्रवेश को भी यहाँ पर मान्यता दे दी गई कि अब अगर भारत में शासन चलाना है तो उसके लिए हमें भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, ऐसा ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ। तो इसी क्रम में 1861 का भारत शासन अधिनियम आया था। अब चलिए इस अधिनियम की हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली विशेषता की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया कि अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया जो कि अभी तक कंप्लीट रूप से ब्रिटिशर्स के पास थी उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो ये इस अधिनियम की पहली विशेषता थी, और इसके साथ साथ वायसराय की जो परिषद है उसका भी विस्तार कर दिया गया। हमने पहले भी पढ़ा था वायसराय की परिषद के बारे में, तो उसका यहाँ पर विस्तार कर दिया गया। और 1862 में क्या किया गया कि जो हमारे उस समय के गवर्नर थे वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिन, क्या नाम था, लॉर्ड कैनिन, जो कि भारत के पहले वायसराय थे, तो ये बात आपको याद रखनी है। इनकी परिषद में सर दिनकर राव को इसके अलावा पटियाला और बनारस के महाराज को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि लॉर्ड कैनिन के द्वारा 1862 में इन तीनों लोगों को मनोनीत कर दिया गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अब कानून बनाने की प्रक्रिया में भी भारतीयों को शामिल कर लिया गया था। आगे अगर हम लोग इसकी अगली विशेषताओं के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा था कि जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया था तो उस समय जो बम्बई और मद्रास की सरकारें थीं उनके पास जो विधायी शक्तियाँ थीं वह छीन ली गई थीं, लेकिन इसके बाद में इन दोनों की जो विधायी शक्तियाँ हैं वह इनको वापस कर दी गई थीं। तो ये आपको याद रखना है, और इसी के माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान रखना है आपको कि केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो शक्ति होती है वह किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित होती है, लेकिन जब शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है तो शक्तियाँ अलग अलग लोगों में बाँट दी जाती हैं। तो यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कब, 1861 में। उसके बाद में अब हम लोग अगर आगे बात करें इस अधिनियम के बारे में तो यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ स्थानों पर विधान परिषदों का भी गठन किया गया, जैसे कि हमारे बंगाल में किया गया, कब, 1862 में। उसके बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि जो पश्चिमी पंजाब और राजस्थान का हिस्सा है वहाँ पर 1866 में किया गया, और उसके बाद में पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1897 में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने दी हुई है। उसके बाद में वायसराय को अब यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि हमारे राष्ट्रपति के पास में किसी भी तत्कालीन समस्या के समय जब हमारे संसद के सदन ना चल रहे हों उस समय वह अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार से अब किसी आपात की स्थिति में हमारे वायसराय के पास यह शक्ति थी कि वह कोई अध्यादेश जारी कर सकता था, और इस अध्यादेश की जो वैधता थी यह 6 महीने की होती थी।
तो ये हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात की 1861 के अधिनियम के। इसके बाद में हमारा आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम आता है और इस अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता इसकी थी कि जो हमारे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी, हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय यानी कि केंद्र में और जो राज्यों में विधान परिषदें थी, इनमें अब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है कि यहाँ पर भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि की गई। गैर सरकारी मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होते थे, लेकिन अभी भी जो बहुमत था वह सरकारी सदस्यों का था। यानी कि अगर किसी मामले में कोई वोटिंग होना हो तो वहाँ पर सरकारी सदस्यों की ही सर्वाधिक मान्यता दी जाती थी। इसके अलावा विधान परिषद के जो कार्य होते थे उन कार्यों में भी वृद्धि कर दी गई, जैसे उन्हें अब बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्हें अब कहा गया था कि अगर कार्यपालिका कोई भी सवाल करती है तो उसका जवाब इन्हें देना होगा। आगे अगर हम बात करें तो वायसराय को अब सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दे दी गई थी। किसको? वायसराय के पास में अब यह शक्ति हो गई थी कि वह सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था। और इसी क्रम में वह केंद्रीय विधान परिषद में, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था, उनका नामांकन कर सकता था। तो इस प्रकार से ये हमारी विशेषताएं थी 1892 के भारत शासन अधिनियम की। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा आता है 1909 में। 1909 का जो अधिनियम है इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और इसके अलावा जो लॉर्ड मिंटो थे वे क्या थे, वे भारत में वायसराय थे। तो 1909 का, 1919 का और 1935 के अधिनियम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको थोड़ा इन पर ध्यान देते हुए चलना है। अब हम बात करेंगे इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। तो इसमें क्या किया गया कि अब जो हमारी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थीं उनके आकार में कर दी गई वृद्धि। मतलब क्या हुआ आकार में वृद्धि का मतलब, कि जहां पर पहले केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 रहती थी उनको बढ़ा करके अब कर दिया गया 60। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि की गई। आगे अगर हम बात करें तो अब जो हमारी केंद्रीय परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रहता था जैसा कि हमने पहले पढ़ा, लेकिन जो हमारी प्रांतीय परिषदें थी उसमें अब गैर सरकारी सदस्यों को भी मंजूरी दे दी गई। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले उन्हें लगा कि भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए, तो भारतीयों को उन्होंने शामिल किया। उसके बाद में उन्हें लगा कि इन्हें कानून बनाने में भी रखना चाहिए तो उसको रखा। उसके बाद में वोटिंग का उन्हें अधिकार दिया, बजट पे बहस करने का अधिकार दिया, और फाइनली जो हमारी प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को भी मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ होता है कि यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कहा गया कि जो हमारे मुस्लिम क्षेत्र होंगे वहाँ पर जो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उन्हीं को वोट देंगे। यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई कि जहाँ पर मुस्लिम होंगे वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार होंगे और वहाँ पर उनके द्वारा वोट उन्हीं को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है किनको? लॉर्ड मिंटो को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही मुस्लिम सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो ये फूट डालो और राज करो की एक प्रकार से नीति थी कि किसी तरह से हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया जाए। तो ये थी विशेषताएं हमारे 1909 के अधिनियम की। उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसे हम लोग मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेक उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय थे। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताओं के बारे में। तो अगर इसकी हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि वर्तमान में हमारे संविधान में सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, उसी प्रकार से अब
1919 के अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। प्रांतीय विषयों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हस्तांतरित विषयों को शामिल किया गया था, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रांतीय विषयों की तो इसमें आरक्षित विषयों को भी शामिल किया गया था। यानी कि जो हमारे प्रांतीय विषय थे इनको आगे चल करके दो भागों में बांट दिया गया। अब हस्तांतरित विषय की खास बात थी कि इसके जो सदस्य होते थे या इसके जो चीज होते मंत्री होते थे वे पूरी तरीके से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। और अगर हम लोग बात करते हैं आरक्षित विषयों की तो आरक्षित विषयों में जो भी विषय शामिल थे उसके लिए विधान परिषद में किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा 1919 का ये अधिनियम था। इसकी अगर हम लोग आगे की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि यहीं से हमारे राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा अब यहाँ पर डायरेक्ट रूप से आप जा करके वोट दे सकते थे, यानी कि अब सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होने लगा था। आगे हम बात करें तो अब वायसराय की परिषद में 6 में से 3 भारतीय होते थे। कितने? तो क्या किया गया यहाँ पर कि वायसराय की परिषद में अब 6 में से 3 भारतीय सदस्य को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल चली गई, जिस प्रकार से मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा किसी मुस्लिम का ही चयन किया जाता था, किसी मुस्लिम सदस्य का चयन किया जाता था, उसी प्रकार से अब इन्होंने क्या किया कि सिखों के लिए इन्होंने सिख की व्यवस्था कर दी, भारतीय ईसाइयों के लिए इन्होंने भारतीय ईसाई मतदाताओं की व्यवस्था कर दी। अगर कोई आंग्ल भारतीय सदस्य है तो उसके लिए आंग्ल भारतीय वोट करेंगे और यूरोपियों के लिए यूरोपीय वोट करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में कर दी गई। आगे अगर हम बात करते हैं तो 1926 में पहली बार सिविल सेविकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी हमारा हुआ था 1919 में ही। और उसके बाद में ऐसा कहा गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्षों के बाद में, और वह आएगी भारत में और यहाँ पर आने के बाद में वह जांच करेगी कि क्या जो 1919 का अधिनियम था वह अच्छी तरीके से लागू हुआ या नहीं लागू हुआ। तो ये व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में ही, यानी कि जो तिथि निर्धारित की गई थी या जो समय निर्धारित किया गया था 10 वर्षों के बाद 1919 के बाद 1929 में, उन्होंने 2 वर्ष पहले ही एक आयोग को यहाँ पर भेज दिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस आयोग की तो ये मुख्य रूप से एक हमारा 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग था। और इसमें क्या था कि अध्यक्षता इसकी कर रहे थे सर जॉन साइमन। क्या नाम था उनका? सर जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो सदस्य थे वह सारे ब्रिटिश थे। अब अगर जाहिर सी बात है नियम भी आप बनाएंगे, आप ही जांच करेंगे, तो आप जाहिर सी बात है बताएंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। तो आयोग के अनुसार यह माना गया कि भारत में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें बनाई गई थी वह काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही हैं। लेकिन भारत के जो लोग थे उन्होंने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। क्या होते हैं? 3 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर होते हैं जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। और उसके बाद में आगे चल करके इस पर चर्चा की जाती है, और उसके बाद में ब्रिटिश संसद में जो प्रवर समिति होती है उसके समक्ष भी सारी चीज़ें भेजी जाती हैं, और जो सारी सुधार होते हैं उनको आगे चल करके भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन इसी समय एक चीज़ और होती है, सांप्रदायिक अवार्ड। तो इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हुआ क्या कि अभी तक उन्होंने देखिए किस प्रकार से बंटवारा किया था। सबसे पहले उन्होंने मुस्लिमों के लिए व्यवस्था की, उसके बाद में भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए, सिखों के लिए, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन को विस्तारित कर दिया। अब क्या किया कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इन्होंने सोचा कि अब अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ पर हैं, जो हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसी को कहा गया था कम्युनल अवार्ड, या इसी को कहा गया था सांप्रदायिक अवार्ड।
अब हुआ क्या कि इस जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक अवार्ड की या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की, इसका बहुत ही विरोध किया था गांधी जी ने। किन्होंने? गांधी जी ने विरोध किया था, और उस समय वह थे पूना की एरवदा जेल में, और वहाँ पर उन्होंने कर दिया था अनशन। बाद में कांग्रेस के नेता और दलित नेताओं के बीच में समझौता होता है, और उसके बाद में उसी को हम लोग कहते हैं पूना समझौता। तो ये था पूरा हमारा सांप्रदायिक अवार्ड, और ये बनाया गया कि अब जो हिंदू की निर्वाचन व्यवस्था है उसमें दलितों का स्थान आरक्षित किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। यानी कि अब हिंदुओं में से ये लोग सोच रहे थे कि अल्पसंख्यकों को भी अलग कर दिया जाए, ऐसा प्रयास था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, जो कि हमारा आखिरी होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी, और जो हमारे वर्तमान में संविधान का प्रारूप है उसमें 250 के आसपास अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले क्या किया गया कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। किसमें? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले यही कहा गया कि यहाँ पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, और इसके अंतर्गत जितने भी राज्य होंगे, जितनी भी हमारी रियासतें होंगी, वह सारी एक इकाई के समान होंगी। यहाँ पर हमारी 3 सूचियाँ बनाई गईं। पहली सूची हमारी थी संघ सूची, जिसमें 59 विषय शामिल थे। बाद में हमारी आती है राज्य सूची, जिनमें 54 विषय थे। उसके बाद में आती है हमारी समवर्ती सूची, जिसमें हमारे 36 विषय थे। समवर्ती सूची में कितने थे? 36 थे। और इस प्रकार से इनका बंटवारा किया गया, और जितनी भी हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ थी ये सारी हमारी दे दी गई किसको? वायसराय को। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले साल ही कि जो हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ थी 1935 के अधिनियम में, वह शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो ये सारी व्यवस्थाएँ की गई, लेकिन हुआ क्या कि ये जो हमारी संघीय व्यवस्था थी ये कभी स्वीकार ही नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी देसी रियासतें थी उन्होंने इसको स्वीकार ही नहीं किया, वह इसमें शामिल ही नहीं हुई, और उनके द्वारा इसका पूरी तरीके से कर दिया गया था बहिष्कार। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था वह 1937 से लेकर के 1939 तक चला, और बाद में यह भी समाप्त कर दिया गया। केंद्र में कभी भी द्वैत शासन व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाई, यानी कि केवल यह राज्यों में चली थी, वह भी केवल 2 सालों के लिए। आगे अगर हम बात करें तो 11 राज्यों में से 6 राज्यों में अब द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। कहाँ पर? जो भी हमारे उस समय 11 राज्य थे उनमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था, और इसके अंतर्गत जो हमारे बंगाल थे, बंबई थे, मद्रास थे, इसके अलावा बिहार था, फिर हमारा संयुक्त प्रांत था, असम था, यहाँ पर अब हमारी विधान परिषद और विधानसभा दोनों इस प्रकार से बन गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, और इसके बाद में हमारा असम हो गया। तो इन 6 राज्यों में अब द्विसदनीय व्यवस्था हो गई थी, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा यहाँ पर बन गए थे। इसके अलावा अब इन्होंने क्या किया कि दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मताधिकार का भी विस्तार किया गया, और उस समय लगभग जो हमारे देश की 10% जनसंख्या थी उसको मत देने का अधिकार मिल चुका था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। तो ये सारे हमारे प्रमुख बिंदु थे भारत शासन अधिनियम के। इसके बाद में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। हुआ क्या था कि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लाइमेंट एटली, उन्होंने यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को जो हमारी सत्ता है वह सौंप दी जाएगी भारतीयों को, और भारत को कर दिया जाएगा आज़ाद। लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पर कर दिया आंदोलन, और आंदोलन के बाद में मुस्लिम लीग को यह कभी स्वीकार नहीं था कि वह भारत का हिस्सा बने, और उन्होंने सीधे सीधे बंटवारे की मांग कर दी। उसके बाद में 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, और बाद में 3 जून 1947 को जो हमारे तत्कालीन वायसराय होते हैं जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने विभाजन की योजना पेश की, जिसे हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते हैं। तो फाइनली जाकर के कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया, और
14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और इस अधिनियम की पहली विशेषता यही थी 1947 के कि अब भारत में ब्रिटिश का राज समाप्त होगा और इसके बाद में भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई और फाइनली चल करके हमारा भारत यहाँ से हो जाता है आज़ाद। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझा, तो ये हमारी एक बेसिक वीडियो थी। इसके बाद में अब हम लोग अगले चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हुआ था संविधान का निर्माण। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि हमारे संविधान की विशेषताएँ क्या क्या हैं। उसके बाद में हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, संघ और इसका क्षेत्र क्या है, नागरिकता, मूल अधिकार, इन सब के बारे में हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको सबसे ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तथ्य को लेकर के कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जब भी परीक्षा में उतरें तो आपकी पॉलिटी की तैयारी बेहतर हो और पॉलिटी के आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।